सूर्यकांत त्यागी जी। देखिए फुल एंड कंड हमारी एंटरटेनमेंट फिल्म है, एक फैमिली है, एक कॉलेज बेसिक ड्रामा है, इसमें रिवेंज है, मर्डर मिस्ट्री है, मतलब काफ़ी लोगों को इन्जॉय भी करेगी, फुल फैमिली ड्रामा। जी जी स्टोरी का एंगल भी ऐसा था, फिर हमारे जो दोस्त हैं साहिल रियान जी, हम लोग हमारी एक टीम है जिसमें हमारे प्रोड्यूसर सारिका जी, हमने डिस्कस किया बैठ के क्यों ना इस फिल्म में नई कंटेंट नए कैरेक्टरों को मौका दिया जाए, ताकि आने वाले जो हमारे एक्टर्स हैं उनको कुछ ना कुछ एक हो, कि क्योंकि बॉलीवुड में एक ट्रेंड चला आ रहा है, हर कोई फैमिलियर है, अगर फादर हीरो है तो बेटा भी हीरो है, क्यों ना हम उस ट्रेंड से हटकर एक नए कलाकारों को मौका दें। शूट इसका कुछ पार्ट हमारा मथुरा में हुआ है, बाकी देहरादून मनाली और अपना मंसूरी में शूट हुआ है। किस तरह का म्यूजिक है, किस किस से म्यूजिक हमारा बहुत ही अच्छा है, जितनी तारीफ करूँ हमारे साहिल रियान जी की उतनी कम है, और उन्होंने खुद भी इसमें एक गाना गाया है, बाकी फरीद साबरी जी की कवाली है, जुबेन गर्ग जी हैं और अंकित राजपूत, सिद्धार्थ, सब ने अच्छा अपना काम किया, और साहिल जी तो खैर उनकी तारीफ ही नहीं कर सकता, क्योंकि तारीफ से ऊपर है मैं तो। थैंक यू जी एस टी। बिल्कुल कितनी कमर्शियल है, फुल टू मसाला मूवी है, आपको इस मूवी के अंदर एक मूवी के अंदर जितनी भी पहलू होते हैं या जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सब आपको मिलेंगे, फुल टू मसाला मूवी है। आपको लगता है इस तरह की मूवी लोग पसंद करेंगे कि जीएसटी को लेकर? हाँ देखिए ये हमारी एक कोशिश है, पसंद करना या ना करना ये तो जनता के ऊपर है, वो ही बता सकती है, बट हम कोई भी चीज़ शुरू करते हैं तो ये उम्मीद के साथ करते हैं कि जनता को शायद ये चीज़ पसंद है, ये वो उनको देखना अच्छा लगे। इसको ऑल ओवर इंडिया हम रिलीज कर रहे हैं। नए कलाकारों को इसलिए लिया इसके अंदर, पहले तो हम लोग चाहते ही थे कि पूरा फ्रेश हो इसके अंदर, और बहुत सारे आर्टिस्ट थे हमने जो ऑडिशंस किए थे या जो भी किया था, और उसके अंदर जो हमें सबके ऊपर रोल लगा कि हाँ ये रोल के ऊपर ये आर्टिस्ट डिजर्विंग है और ये उसको परफेक्टली प्ले कर पाएगा, हमने उसी को ही चूज़ किया। तो मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस के लिए कोई आर्टिस्ट नया या पुराना होता है, ये ऑडियंस डिसाइड करती है, नए आते हैं तभी पुराने होते हैं। 8 दिसंबर। साहिल रियान, देखिए क्या है कि मूवी तो बहुत बेस्ट है, इसका जो है ना थॉट बहुत अच्छा है, मूवी यूथ है, यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं हॉस्टल्स में, और किस तरीके से उनमें क्या प्रॉब्लम्स आती है, कितना फ़न है, सारी चीज़ें, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने जो है ना इस मूवी में 5 गाने 5 एकदम डिफरेंट अंदाज में बनाए, मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी था कि इस मूवी को बेस्ट तरीके से मैं सॉन्ग जो है ना बना पाऊँ, और मैंने बनाया। मेरे प्रोड्यूसर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस मूवी में चांस दिया और मैंने म्यूज़िक बनाया। जी मैं आपको गाना गा देता हूँ। दिल लगा लिया जान गवा दिया, इश्क में हमने यारो सब कुछ लुटा दिया, जरा शहीन तेरा चेहरा खुदा ने नूर से पैदा किया, तेरा चेहरा खुदा ने नूर से पैदा किया, सितारों को फलक से तोड़ के बिखरा दिया, तेरा चेहरा खुदा ने नूर से पैदा किया, जमाना हुआ लबादा या रबा हुआ जदीन हुनैन हुनैन या रबा। थैंक यू। गाने में थोड़ी सी अरबी झलक रही है कि ये ट्रेंड
नो थ्रेट, क्योंकि मेरी पहचान ही है और मैं शुरू से जो है ना अरबिक ही करता था सॉन्ग। मैंने बाद में फिर कर ले प्यार कर ले से हिंदी स्टार्ट किया, सुनील जी ने, पूरी फैमिली ने मुझे बहुत प्यार दिया। उसके बाद से मैंने हिंदी गाने स्टार्ट किए, हिंदी करना, और आज आपके सामने है गाने। मेरा सबसे पहला ही सॉन्ग मेरी लाइफ बदल दिया, कहो ना कोई आंख में देखिए क्या है कि मुझे जो है, चूंकि मेरी लैंग्वेज है और इसको करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है और लोग उसको पसंद करते हैं, वो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं उनका सबका शुक्रगुजार हूँ, पूरी टीम का, इस फिल्म के शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जो है ये मौका दिया। मैं ख़ास तौर से प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, इन्वेस्टर, इन सारे लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मैंने जो है 5 गाने 5 तरीके से बनाए और हिंदुस्तान की पब्लिक उसको पसंद कर रही है। मेरे लिए खुशी की बात। देखिए मैं आधा इजिप्शियन हूँ, आधा इंडियन हूँ। मेरे फादर इजिप्शियन है, मेरी मम्मा इंडियन है, तो हम ब्रॉट अप हुए, पैदा हुए, हमारा पूरा एजुकेशन उधर गया। इस तरह के गाने की कितनी मार्केट वैल्यू है, क्योंकि हर फिल्मों में आजकल ऐसे गाने डाले जा रहे हैं। देखिए बहुत ही मुश्किल है, देखिए तो हर कोई है। रीज़न ये है कि इस गाने की वैल्यू की बात तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि लोग जो है ना, डिफरेंट सॉन्ग आज के दौर में लोग पसंद करते हैं और हमेशा पसंद करते आए हैं। कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए। अब बात लैंग्वेज की हो ही नहीं रही है, अब इंडिया में लोगों ने लैंग्वेज नहीं समझी है, लेकिन लोगों ने म्यूज़िक देखा, लोगों ने पैशन देखा, गाने का रिदम देखा और गाने को उन्होंने पसंद किया, गाने की कंपोजिशन देखी। तो म्यूज़िक की लैंग्वेज नहीं होती, मेरा मानना है म्यूज़िक की कोई लैंग्वेज नहीं होती। म्यूज़िक अच्छा होना चाहिए, कान को अच्छा लगता है, हार्ट को अच्छा लगता है। पहली बार जो आपने गाना गाया तो आपको लगा कि पब्लिक पसंद करेगी इसको, कि ये हबीबी या फिर यस वर्ड होते थे अरबी? यस, सबसे पहला मैं ही शख्स ऐसा था कि मुझे कॉन्फिडेंस था कि लोग इसको पसंद करेंगे। हालांकि 3-4 प्रोड्यूसर ने उसको रिजेक्ट कर दिए थे सॉन्ग को, लेकिन मुझे सिर्फ कॉन्फिडेंस था इस गाने पर कि आवाम जो है ना म्यूज़िक की लैंग्वेज नहीं देखेगी, बल्कि म्यूज़िक कंपोजिशन देखेगी और म्यूज़िक में जो हार्ट है सॉन्ग में उसको पसंद करेगी, उसको सोचेगी, उसको समझेगी। और कुदरत की शान, अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान, मौला का बहुत बड़ा एहसान और मौला का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि उसने जो है ना फर्स्ट सॉन्ग ही पब्लिक ने उस मकाम तक पहुँचा जहाँ तक हर इंसान चाहता पहुँचना। जी 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 इंडियन रिमिक्स करते हैं हम वहाँ पे। हम लोग भी जब इवेंट्स करते हैं वहाँ पे, जब हम शो करते हैं तो अपने यहाँ का हिंदुस्तान का सॉन्ग जो है ना हम अरबिक और इंडियन लैंग्वेज में कर देते हैं, मज़ा आता है। कभी आपने सोचा कि इसकी वर्डिंग की एक हिंदी में बताया जाए कुछ? हमने किया, हमने सोचा की बात नहीं है, हमने वहाँ अरबिक लैंग्वेज में जो गाने किए उसको हम इंडिया में हिंदी में भी किए। रनिंग प्रोजेक्ट है, 2-3 प्रोजेक्ट हैं जो रनिंग में हैं और उसके लिए म्यूज़िक कर रहा हूँ। ये फिल्म रिलीज़ कर लूँ, इसके बाद इंशाल्लाह लाजिम करूँगा।